क्लोजिंग वॉल चेक कर लेते हैं एक बार, कहाँ पे आज कैसे क्लोजिंग हो रही है प्रियंका? बिल्कुल शुक्रिया डिम्पी। देखिए आपने खुद ही बताया अभी कि बाजार थोड़ी सी वीक क्लोजिंग तो दे रहा है और जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक लास्ट वन आवर में वीक हुए हैं उन्होंने जरूर प्रेशर और बढ़ाया है, ड्रैग किया है। तो मेजरली जो आपके लिए आज ड्रैगर्स रहे हैं लास्ट वन आवर में वो आपके लिए बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स ने गए, लेकिन 16,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है, सपोर्ट भी है, उसके ऊपर हम क्लोज हो रहे हैं। तो देखना होगा कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों को लगता है कि एक डिवाइडेड व्यू के साथ देखना होगा। निफ्टी स्टॉक्स में जरूर आप एक बार बात कर रहे थे कि वहां गेनर्स कहाँ निकल कर आए, जो निफ्टी के गेनर्स थे उसमें आपको सिलेक्टिव स्पेसेस से दिखे, या तो मेजरली रीबाउंड पे दिखे, कोई बड़ी सेक्टोरल लीडरशिप आज को क्लियरली आपको नहीं दिखाई दी आज के ट्रेड में, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में आपको स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए कई सारे जरूर दिखाई दिए। निफ्टी गेनर्स में NTPC जो इसमें जिसका न्यूज का ट्रिगर है जिसके चलते आप देख रहे हैं कि वन ऑफ द टॉप गेनर NTPC था, अपोलो हॉस्पिटल पे CLSA की रिपोर्ट आई वहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छी तेजी थी। भारतीय एयरटेल कल हमने देखा था 5% तक वीक हुआ था बिकॉज मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी एक न्यू एंट्रेंट है, लेकिन एक्चुअली स्पेक्ट्रम हाई स्पेक्ट्रम कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑक्शन की कॉस्ट, इसकी एंटिसिपेशन में कल बहुत अच्छा प्रेशर भारतीय एयरटेल देख चुका है और आज एक टेक्निकल रीबाउंड की तरह आप देख रहे हैं। अदानी पोर्ट्स, अदानी स्टॉक्स ऑलरेडी बजिंग है और अदानी पोर्ट्स की हम थोड़ी देर पहले भी बात भी कर रहे थे विलिंद बोलंजकर से जो बता रहे थे कि अदानी पोर्ट्स यहाँ से डबल हो जाएगा, आज वन ऑफ द टॉप गेनर भी अदानी पोर्ट्स है। लूजर कहाँ से आपको निकल कर आए हैं, थोड़े से ऑटो स्पेस के स्टॉक्स आपको एग्जॉस्ट होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, मारुति हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, वहाँ पर अब थोड़ी सी थकान दिख रही है और आज वन ऑफ द टॉप लूजर भी ऑटो स्पेस से है। आयशर मोटर पर आप प्रेशर देख रहे हैं। मेटल स्पेस कल रीबाउंड अच्छा हुआ था, कल पिछले दो दिन की बात करें लेकिन वो न्यूज़ कहीं ना कहीं उस पर और थोड़ी अपडेट्स आए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे क्लैरिटी नहीं कि एक्सपोर्ट ड्यूटी स्टील या मेटल पैक पर हटाई जाए, तो शायद आज एक फिर से आपको मेटल स्पेस पे अच्छा प्रेशर देखा। एंड वन ऑफ द काउंटर फ्रॉम एल्युमिनियम पैक हिंडाल्को वो भी लूजर आज। आप फिर से FMCG स्पेस में जिस तरह से लास्ट वीक की अच्छी मूव दिखाई दी है, ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, लेकिन वहाँ आप टिपिकली एक प्रॉफिट बुकिंग आप देख रहे हैं, तो लूजर्स में आपके लिए ब्रिटानिया भी एक टॉप वन ऑफ द टॉप 5 लूजर्स में ब्रिटानिया का नाम भी शामिल होगा। FNO गेनर्स में अगर हम बात करें तो क्लियरली अगर बहुत क्लियर किसी सेक्टर पे अगर आपको आज लीडरशिप नहीं दिखी, लेकिन जिस पैक ने सेलेक्टिव पैक्स ने जरूर अच्छा परफॉर्म किया है, वन ऑफ द पैक इज रियल एस्टेट फॉर श्योर। अगर FNO गेनर्स की आप बात करें तो उसमें आपको ब्रॉय, इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी, NBCC, इन स्टॉक्स में मोमेंटम जरूर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, ये वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी थे। PSU बैंक्स में आप देखेंगे ना लास्ट वन आवर की अगर आप ये गिरावट को छोड़ दें तो कई सारे मिड कैप PSU बैंक्स थे, बंधन बैंक हो, कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये सारे परफॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा FNO गेनर्स में आपको डिक्सन जैसे स्टॉक भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी ट्रिगर आपको टेलीकॉम एंसिलरी हो, एंसिलरी मेकर्स हो और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अब इसमें भी वैल्यू इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। डिक्सन काफ़ी एक्टिवली ट्रेडेड रहता है ये स्टॉक भी, आज आप यहाँ पर भी देख रहे हैं वन ऑफ द टॉप वन ऑफ द FNO गेनर था। एंड एक व्यू जो IT पैक का एक बड़ा ट्रिगर बाजार जो दिख रहा है वो है HCL टेक के आज रिजल्ट कैसे आते हैं, थोड़े से वीक सेट ऑफ नंबर्स आते हैं जो हमने एक रिव्यू तैयार किया है ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेशन फ्रॉम द एनालिस्ट। वहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे तो लार्ज कैप IT इंफोसिस हो, विप्रो हो, HCL टेक हो, वहाँ पर प्रेशर आज के दिन भी है, तो रिजल्ट से पहले ये काउंटर्स वीक है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरियन आप मिड कैप IT को देखेंगे, माइंडट्री हो, कोफोर्ज हो, वहाँ पर आपको फिर भी अच्छे मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं और वन ऑफ द FNO गेनर्स में आपको माइंडट्री भी स्टॉक दिखाई देगा। सो ओवरऑल बाजार 16,000 के पास क्लोजिंग दे रहा है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा वीक हुआ और लास्ट वन आवर में जिस तरह की वीकनेस जो ड्रैग की है बाजार में इंडेक्स को मेजरली वो बैंकिंग काउंटर्स ने ड्रैग किया, तो देखना होगा कि कल किस तरह से इसकी बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। हालांकि व्यू भी अगर आप यहाँ पे देखें तो एडवांस और डिक्लाइन रेशियो भी देखते हो, डिक्लाइन साइड पर आपको लगभग 12 शेयर देखने मिल रहे हैं और गुड़ने वाले सिर्फ आपको 800 स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो आज ओवरऑल बाजार ने अदानी स्टॉक से मिलकर अच्छा खासा परफॉर्म किया, एक रिपोर्ट आई जिसके बाद हमने उस पर एक्सटेंसिव एक चर्चा भी की और उसमें कई सारे स्टॉक रिकमेंडेशन भी व्यूअर्स के लिए निकल कर आई, लेकिन आज जब आप वॉच आउट करेंगे क्लियरली CPI फिगर्स आने, IIP नंबर्स आने हैं, कल US के इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं, तो ये दो तीन ट्रिगर्स हैं बड़े जिसे बाजार शायद वॉच आउट करना चाह रहा है और उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ मूव करना चाह रहा है, तब तक शायद बाजार एक कंसोलिडेशन के फेस में रह सकता है ये एक्सपोर्ट्स का मानना है। तो फिलहाल मार्केट का एक्शन, आज दिन भर के एक्शन में कई सारे स्टॉक्स और स्पेसेस में हमने बात की, चर्चा की, इसी को यहीं रैपअप करते हैं, कल फिर आपसे ओपनिंग में होगी मुलाकात। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।